यूपी के लखीमपुर खीरी की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पलिया तहसील क्षेत्र में आज सातवें दिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके चलते किसानों ने आज एकजुट होकर रोष मार्च निकाला, जिसमें भारी संख्या में किसान नगर पलिया बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड सीओ ऑफिस पैदल रोष मार्च निकाला। किसानों का कहना था, जब तक हमारे पुराने गन्ने का पैसा नहीं मिलेगा हम अपना नया गन्ना नहीं देंगे, हम लोग धरना या अनिश्चितकालीन करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड पर पलिया कोतवाली में FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सभी किसान भाइयों ने रोष जताया। बजाज चीनी मिल में आज हफ्ता भर से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज रोड मार्च निकाला गया है, कि क्या मामला है? अमल नहीं किया गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं, तो इस वजह से हम किसान सभी भाई लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पेमेंट के लिए सरकार या सुनने वाला सरकार नहीं, इसीलिए सर यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि फीस वाली दिक्कत है, बच्चे विद्यालय से पढ़ाए जा रहे हैं, उनको नियुक्ति की जा रही है, लेकिन सर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हम सारे किसान यहाँ इकट्ठा होकर अपनी मांग। अभी भीषण बाढ़ आई थी, पूरा लखीमपुर खीरी तबाह हो गया है, कैसे खर्चा चलता आप लोगों का? जी सर, अरे खर्चा सर अब क्या बताएं सर, ये मान लीजिए कि हम लोग सर आज आप लोग फैक्ट्री के अंदर धरना प्रदर्शन का एक हफ्ते से कर रहे हैं, क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि हमारा जो पिछले साल का गन्ने का भुगतान है तकरीबन 264 करोड़ रुपए का जो भुगतान है, वो हमारा भुगतान ना होने के कारण हम लोगों को कहना पड़ रहा है, कम से कम 2-2.5 महीने पहले भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसके बाद हमारा कोई गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, इतना यहाँ का किसान हताश है, टूट चुका है, उसी क्रम को देखते जब हमारी कहीं कोई मांग नहीं सुनी गई तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, एक ही हमारी मांग है कि तब तक पूर्ण भुगतान नहीं होगा तब तक कोई समय रोष मार्च हमारा शांतिपूर्वक रोष मार्च होगा, कि हम अपना दिखाना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं सब जो किसान है वो एक ही कर रही है, आज यहाँ की जितनी भी किसान यहाँ पर इकट्ठा थे उन लोगों ने सब लोगों ने उनकी बात को नकारते हुए सिद्ध कर दिया कि सारा किसान एकजुट है, और जब तक पूरा भुगतान